YouTube मार्केटिंग के अंडर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube टूल vidIQ। तो एक ये टूल है vidIQ करके। तो ये टूल क्या है, आपको करना क्या है, आपको एक ही एक्सटेंशन है, आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से vidIQ पर जाकर। लेट्स से हम vidIQ पर जाते हैं तो ये vidIQ यहाँ पर आ जाता है गूगल सर्च में जब हम गए तो, और यहाँ एक्सटेंशन, और ये ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन। इसके अलावा आप यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाएंगे और एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पर भी आप सर्च कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। वेट अ मिनट, तो यहाँ पर तो ये आपकी इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन दिखा रहा है। ओके, यहीं से जाते हैं vidIQ इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, यहाँ जाएंगे और इसके बाद यहाँ देखिए इस एक्सटेंशन को कितने लोग यूज़ करते हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। और इसकी रेटिंग अगर आप देखो, लगभग 8,500 लोगों ने इसकी रेटिंग 4.5 दी है। तो इसका मतलब ये एक्सटेंशन अच्छी है। इसको क्या करना है, ऐड टू क्रोम एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन हमारी ऐड हो जाएगी। अब इस एक्सटेंशन का बहुत फ़ायदा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये डाउनलोड हो रही है एंड एड इन टू क्रोम, ये क्रोम में ऐड हो रही है। तो ये एक्सटेंशन हमारी ऐड हो चुकी है। अब जब YouTube हम पहले चला रहे थे और अब चला रहे थे, अब फर्क ये है कि जब भी हम कोई वीडियो देखेंगे, राइट, साइन इन टू योर एग्जिस्टिंग vidIQ अकाउंट, तो आप यहाँ साइन इन कर लीजिए, नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको साइन इन विद गूगल और साइन इन कर लेते हैं। अब देखिए साइन इन करने के बाद क्या होगा, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी वीडियो के बारे में चाहिए वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए हम जाते हैं youtube.com एंड हाउ टू मेक केक, ये एक वीडियो चल रही है उसी को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, देखिए कि ये पहली चीज़, ये इस तरह का कीवर्ड है जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम 70 है, तो इसका टोटल जो स्कोर है वो 37 out of 100 है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको वो वीडियो बनानी है, वो टॉपिक चूज़ करना है जहाँ पर लो कॉम्पिटिशन है, और लो कंपटीशन होने से क्या होगा कि आपकी वीडियो बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, अब जरा हम इस वीडियो को खोल के देखते हैं, इस वीडियो के बारे में भी ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये देखिए इस वीडियो के जो टोटल व्यूज़ हैं वो 47.2 मिलियन है, जो आप यहाँ भी देख सकते हैं, और उसका स्कोर देखिए कितना अच्छा है, 90.9 इसका स्कोर है। 3.5 मिनट की ये वीडियो है, राइट। एक बार इसको थोड़ा सा चलने देते हैं, वीडियो को आने देते हैं। हाँ, तो 3.5 मिनट के वीडियो में समझाया गया है। तो आपको यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वीडियो कितनी छोटी रखनी है, ज़्यादा लंबी वीडियो रखनी नहीं है। हर एक घंटे में इसको लगभग 5,000 के आसपास लोग इसे देख रहे हैं, और इससे हो क्या रहा है, 8 लोग फेसबुक लाइक्स इसको मिल रहे हैं, ठीक है ना। सोशल अगर एवरेज देखें तो 1317 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, लगभग 35,000 के आसपास फेसबुक फॉलोअर्स हैं। SEO में अगर आप देखो इसका जो स्कोर है वो 96.2 है। टैग भी इसमें लगे हुए हैं, टैग का वॉल्यूम भी है, कीवर्ड भी है टाइटल में, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी है, और ट्रिपल कीवर्ड है परफॉर्मेंस। तो यहाँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर अपने कॉम्पिटिशन को स्टडी करना चाहते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ बहुत कुछ दिख जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये टिप्स भी दिए हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। इसका टाइटल बहुत लंबा है, छोटा किया जा सकता है, एंड स्क्रीन इसमें नहीं लगी है वो लगाई जा सकती है, राइट। इस चैनल के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितने इसके सब्सक्राइबर और एवरेज डेली व्यूज़ कितने हैं। ओके, और वीडियो में जो टैग लगे हुए वो भी आपको दिख जाएंगे, तो इन टैग्स को आप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना वीडियो बना रहे हैं तो उसके टाइटल के लिए देखिए यहाँ पर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट, कॉपी भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो ये जो vidIQ है ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है जब आप अपना कंपटीशन स्टडी करेंगे। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और आपको दिखाऊंगा इसमें। ये हमने इसके स्टैट्स देख लिए, हिस्टोरिकल ये सारा डेटा भी ये दिखाएगा नहीं इसमें। ये आ जाते हैं, दूसरी चीज आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 1.4 वर्ड्स पर मिनट, हालांकि इंपॉर्टेंट चीजें इसमें वो हैं, वो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए, ये है और ये है, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वीडियो टैग्स हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम कोई और वीडियो भी देखते हैं इसी कैटेगरी में जो सजेस्टेड वीडियो होते हैं, तो यहाँ पर हम ये वाला देखते हैं। लेट्स से जब इस वीडियो को देखते हैं तो इसके देखिए व्यूज़ और ज़्यादा है, ये 9 मिनट का है लेकिन इसका स्कोर कम है, राइट, और इसके टोटल व्यूज़ भी उतने ज़्यादा नहीं है। और यहाँ देखिए यहाँ कई सारे करेक्शन है, वहाँ सिर्फ 2 थे, यहाँ 3 हैं। टैग इसमें लगे हुए हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। टैग के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो टैग है ये जब सर्च की जाती है वीडियो इस कीवर्ड में है तो कहाँ पर रैंक करती है, तो ये वीडियो नंबर 1 पर रैंक कर रही है मैंगो केक रेसिपी की कैटेगरी में। मैंगो केक रेसिपी अगर कोई सर्च करेगा तो ये वीडियो नंबर 1 पे आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से इस एक्सटेंशन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारी इंसाइट मिल जाएगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अपने कंपटीशन के बारे में आप स्टडी कर पाएंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं इसके अलावा आप अपनी वीडियो स्ट्रेटजी को बेटर बना पाएंगे। फ्री एक्सटेंशन है, इसको आप यूज़ करिए, वीडियो बनाइए, देखिए कॉम्पिटिशन कितना है, उस हिसाब से आप चूज़ करिए किस कैटेगरी में आपको बनाना है। लेट्स से हम इसको कर देते हैं यहाँ पर फेसबुक एड्स फॉर बिगिनर्स। तो इसमें देखते हैं कंपटीशन लो है, वॉल्यूम तो इसका स्कोर 65 है, अच्छा स्कोर है, वीडियो बनाई जा सकती है इस कैटेगरी में। ओके, और यहाँ अगर हम वीडियो पर क्लिक करते हैं तो अभी हमें वीडियो की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या इसमें करेक्शंस होने चाहिए। ये देखिए 168 व्यूज़ हैं पर आवर और इतने टोटल व्यूज़ हैं, ये इसकी ड्यूरेशन है, ये इसका स्कोर है, ये SEO स्कोर है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। vidIQ का आपने यूज़ करना है अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने चैनल को बूस्ट करने के लिए। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं। ऑल राइट।